नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले हैं एक और शानदार दमदार मुकाबला जो कि खेला जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस विक्टोरिया वुमेन के बीच में। इसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। दोस्तों, हमने जो लास्ट मुकाबले कवर किए थे इसी टूर्नामेंट का, जहाँ पे हमारे कैप्टन थी, आपको पता होगा, एसले गार्डनर, वीसी थी, जेस डेनिसन, उस मैच को हम लोगों ने वन साइडेड विन किया हुआ था। यहाँ पे भी हमारे कुछ ऐसे पेंतरा काम करने वाला है जो आपको वन साइडेड विन करवाएंगे। भाई सब, पिछले सीजन में क्या हुआ था, सोफी डे का रोल क्या था, किस तरीके से उसने सामने वाले टीम को कहर, मतलब समझो कि वन साइडेड हराती थी, उसके पीछे क्या लॉजिक होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें डेडलाइन को लेकर, तो मुकाबला 7:30 में सुबह खेला जाएगा। अब बात आती है फाइनल टीम को लेकर। फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधा सेलेक्ट कर जाइए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे जाने के बाद आपको दिखेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधा सेलेक्ट कर जाइए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और दोस्तों, वहां पे ज्वाइन करने से पहले अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर दियो। अभी के अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, सामने आने वाले टाइम में ढेर सारे टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहे हैं जिसके बेहतर से बेहतर आपको टीम मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल कर लेना। इससे क्या बेनिफिट होगा, मैं जो भी वीडियो दूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। जितना पहले आप वीडियो देखोगे उतना आपके पास टाइम होगा ग्रैंड लीग के ऊपर फोकस करने का। अब भाई हम बात करते हैं इस वीडियो में किन-किन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिच रिपोर्ट, उसके बाद देखेंगे ड्रीम इलेवन स्मॉल लीग टीम, तो लास्ट में देखेंगे एवरेज स्कोर, विनिंग कंपेयर करेंगे, बेस्ट कैप्टन वीसी के रोल यहाँ पे कौन कौन मटेरियल्स होंगे बेस्ट कैप्टन वीसी के, ट्रम्प कार्ड भी देखेंगे, बहुत टीम प्लेइंग ऑर्डर क्या होगा प्लेइंग इलेवन के साथ देखेंगे हम, और हेड टू हेड में जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो क्या हुआ था। अब भाई हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट को लेकर। तो मुकाबला होगा WCA क्रिकेट ग्राउंड पर्थ में, और पर्थ का विकेट हमेशा से बाउंसी विकेट रहता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो बैटिंग पैराडाइज विकेट आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे बैट्समैन और पेसर्स के पास अच्छे खासे मदद होंगे। वेदर आपको बिल्कुल क्लियर वेदर देखने को मिल जाएगा। मैच टाइमिंग सुबह के 7:30 में होंगे मुकाबला। विनिंग परसेंटेज को लेकर बात कर लेंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 30% और विक्टोरिया वुमेन 70% यहाँ पे चांस है कि विक्टोरिया वुमेन इस मुकाबले को जीत जाएंगी, और 30% चांसेस हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वुमेन इस मैच को विन कर सकती है। अब दोस्तों, आइए इस पेज में आपको बोलेंगे थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए विकेट टेकिंग इन लास्ट 5 ओडीआई मैच में टोटल विकेट गिरे हैं 65, जहां पे पेसर्स को मिले हैं 50 विकेट, स्पिनर्स को मिले महज 15 विकेट। एवरेज स्कोर लास्ट 5 ओडीआई मैच को लेकर बात कर लेंगे इस वेन्यू के ऊपर 227 का है। लास्ट 5 ओडीआई मैच जो दोनों टीम के बीच में हुआ है वहां पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 जीती है, विक्टोरिया की टीम 1 जीती है। लेकिन आपको इस स्टेट्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। अगर हम बात करेंगे दोनों टीम के लास्ट 5 मैच के रिजल्ट को लेकर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लॉस विन लॉस 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 करके आ रही है, विक्टोरिया में लॉस लॉस विन लॉस विन करके आ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो वाली विक्टोरिया वुमेन और अभी वाली विक्टोरिया वुमेन में जमीन आसमान का अंतर है। अब भाई हम बात करते हैं दोनों टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर, तो आपको दिख जाएंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैथमोनी, सीपी पारो, मैडी डार्क, एम मतिल्डा, फिर आपको एल गिप्टिस दिख जाएंगी, एम इदगार, पी क्लियरली, लिली मिल्स, एलेना किंग, टी पैसल, जी वैली। अगर हम बात करेंगे विक्टोरिया वुमेन, भाई साहब ऑन पेपर टीम काफी बैलेंस मुझे नजर आ रही है। मैग लेनिंग एसरीड दिख जाएंगे, एलिसा पेडी, अनाबेल सदरलैंड, निकोला फाल्टो, किमगार्थ, वरियम, टेस फ्लिंट ऑफ, आर ओडनल, उसके बाद जी पेस्टवीज, और आपको दिख जाएंगे सोफी डे। अब गेंदबाजी में अगर हम बात कर लेंगे, इधर से आपको दिख जाएंगे सोफी डे 8-10 ओवर, ध्यान रखिएगा गेंदबाज के ऊपर, काफी विकेट ठीक है गेंदबाज मानी जाती हैं। फिर 6-8 ओवर दिख जाएंगे जी पेस्टवीज, 2-3 ओवर यहाँ पे आर ओडनल, 7-8 ओवर टी फ्लिंट ऑफ, 8-10 ओवर वरे हम, फिर आपको दिख जाएंगे किमगर 6-8 ओवर। अब देखिए इस टीम के पास ऑप्शन कितने क्रिएट हो रहे हैं, 8-10 ओवर नबल सदरलैंड, फिर आपको दिख जाएंगे लिसा पेडी, तो इनके पास ढेर सारे ऑप्शन है गेंदबाजी में, तो कौन कितने ओवर डालेगा ये अभी डाउटफुल है। इधर से बात कर लेंगे तो टी पैसल 7-8 ओवर 10 ओवर वाले हैं एलाना किंग, उसके अलावा यहाँ पे मुझे ऊपर से कोई नहीं दिख रही है क्लियरली 8-10 ओवर, लिली मिल्स 10 ओवर, उसके अलावा एमी दिगा 6-8 ओवर, लिसा गिप्टिस 2-3 ओवर, उसके बाद टी पैस्टल आपको डालते दिखेंगे अच्छी खासी स्पेल, जी वैली से आप 6-7 ओवर का उम्मीद करके चल सकते हो। अब दोस्तों, ये हम बात करते हैं स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स को लेकर, तो स्टार्टिंग ओवर आपको दिखेंगे डालते हुए यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्लियरली और टी पैस्टल, विक्टोरिया वुमेन की तरफ से आपको दिख जाएंगे किमगर्थ और टेस फ्लिंट ऑफ। डेथ ओवर्स को लेकर बात कर लेंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पी क्लियरली, टी पैस्टल और एलाना किंग आपको दिख सकती है, विक्टोरिया वुमेन की तरफ से आपको दिखेंगे किमगर्थ, टेस फ्लिंट ऑफ। अब भाई हम बात करते हैं थ्री मार्की बैट्समैन, थ्री मार्की बॉलर जो आपके टीम में होना ही चाहिए। बल्लेबाजी में आपको दिख जाएंगे बैथमोनी, एलिसा पेडी और मैग लेनिंग, ये आपके टीम में होनी ही चाहिए।
थ्री मार्क की बॉलर में हम बात कर लेंगे एलाना किंग, जॉर्जिया वरियम और किम गर्थ। आप यहाँ पे जो है अनाबेल सदरलैंड को भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी फिक्स नहीं है कितना ओवर डालेंगी कितना ओवर नहीं डालेंगी। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं दोनों टीम जो लास्ट दफा आमने सामने आई थी तो क्या हुआ था। ध्यान रखिएगा इस मुकाबले में ढेर सारे बड़े प्लेयर आपको खेलते नहीं दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाए थे 260 रन, जिस आई थिंक इन्होंने किया हुआ था। एमी दिगा 34 की हुई थी, पिपारो 8 रन, लिसा गिफ्टिस 11, मथिलता 35 की हुई थी, एडेथ 2। देखिएगा यहाँ पे बेकर नहीं खेल रहे हैं अभी, फिर क्लियरली 30 की हुई थे, लिली मिल्स 0, उसके अलावा स्टॉक के वेल अभी नहीं खेल रहे हैं, बिटी क्लिफे अभी नहीं खेल रहे हैं। अब अगर बात करेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सामने जो गेंदबाज थी कौन सी, यहाँ पे आर मैकिना अभी नहीं खेल रहे हैं, समंता वेट्स नहीं खेलेंगे, ई हयाड स्क्वाड में मेंशन नहीं है, आई थिंक सॉफी डे 8 ओवर 31 रन 3 विकेट लेके गई थी सॉफी डे। आर ओडनल ज़्यादा गेंदबाजी का उम्मीद नहीं कीजिएगा, मिली से भी आप ज़्यादा गेंदबाजी का उम्मीद करके नहीं चलिएगा, ठीक है। अब भाई हम बात करते हैं विक्टोरिया ओमेन 50 ओवर जो खेली थी वहाँ पे किसने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ था, सॉफी डेड किसी का ध्यान नहीं होगा, सब अच्छी प्लेयर है, 73 की थी, बहुत अच्छी नहीं, लेकिन आप इनसे ठीक ठाक का उम्मीद करके चल सकते हो। निकोला फाल्डून 56, लेकिन निकोला फाल्डून अभी नीचे उतरेंगी क्योंकि सामने इनके जो है आपको दिख जाएंगे लिसा पेरी वगैरह लोग, तो वैसे काफी बड़ी बड़ी इनके पास ऑलरेडी प्लेयर है, तो फाल्डून का बैटिंग पोजिशन नीचे जाएगा। हेनरी वगैरह नहीं खेलेंगी, हयाट नहीं खेलेंगी, फिलिंग टॉप 3। आर ओडनल 24, उसके अलावा एक्टिनसन यहाँ पे 2 किए थे, मैकिना नहीं खेलेंगी, सॉफी डे 25 रन गेंदबाजी भी प्लस बल्लेबाजी भी, समंता वेट्स नहीं खेलेंगी, मिली 1 रन। अब और इनके सामने गेंदबाजी की बात कर लेंगे, लिली मिल्स नाम याद कर लीजिए, कौन सा नाम, लिली मिल्स विकेट टेकर है, अगर इनकी पहले गेंदबाजी आती है आपके लिए एक पॉकेट रॉकेट साबित हो जाएंगी, फिर बीटी के लिए फिर नहीं खेलेंगी। एमी इदगार 10 ओवर 58 रन 2 विकेट, टी पेस्टल 3 में 27, क्लियरली 10 ओवर 54 रन 2 विकेट, सी बेकर 5 में 28 रन 1 विकेट, मतलडा 2 ओवर 12 रन 0 विकेट। अब दोस्तों यही हम बात करते हैं कैप्टन वीसी के कौन कौन आपके लिए अच्छे मटेरियल रहने वाले हैं, तो आपको दिख जाएंगे सदरलैंड, ध्यान रखिएगा 8 से 10 ओवर गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी देंगी, एलिसा पेरी इनकी गेंदबाजी सी नहीं है, नए बॉल्स आएंगी, 1-3-5 डालेंगी, अगर वो स्पिल अच्छा होता है तो 7-9 भी डालेंगी, अगर स्पिल अच्छा नहीं होता है तो 1-3-5 डालने के बाद रुक जाएंगी। बैथमुनी विकेट कीपर बल्लेबाज और हाईली मतलब कह सकते हो कि आप ये कंसिस्टेंस वाले बल्लेबाज है, ये अपना विकेट फेंकना नहीं पसंद करती है, तो आप बैथमुनी से जो है अच्छा खासा उम्मीद करके चल सकते हो। एलाना किंग नंबर 7 नंबर 8 पे बल्लेबाजी भी कर सकती है, प्लस 10 ओवर गेंदबाजी करेंगी और विकेट टेकर गेंदबाज मानी जाती है। जी और हम ये भी आपको दिखेंगे नंबर 7 नंबर 8 पे बल्लेबाजी करते हुए प्लस गेंदबाजी 8 से 10 ओवर करेंगी और ये भी विकेट टेकर गेंदबाज मानी जाती है, रिसेंट फॉर्म इनका लाजवाब है। अब दोस्तों ये हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर, ध्यान रखिएगा मैंने आपको दो तरह का फैंटेसी टीम यहाँ पे दिया हुआ है, एक मैंने वो उन एप्लीकेशन के लिए दिया हुआ है जहाँ पे आप एक बल्लेबाज के साथ जा सकते हो। अब आप लोगों में से कुछ बैक करने हो तो क्वेश्चन रहता है कि राजा भाई मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ कि मुझे किस एप्लीकेशन पे खेलना चाहिए, तो मैं देखो मैं अगर आपको दो तरह का टीम देता हूँ, एक तो मैं देता हूँ 7-4 वाले जो कि बहुत एप्लीकेशन फॉलो करते हैं, 7 आप एक प्लेयर से टीम से ले सकते हो, 4 आप एक टीम से ले सकते हो और वहाँ पे आपको 3 बल्लेबाज लेने ही पड़ेंगे। लाइक आपको मैं बता दूँ विजन 11 में जो नया अपडेट आया है वो 10-1 वाले और वो 7-4 को भी फॉलो कर रहे हैं, फिर लीग 11 7-4 और 10-11 दोनों को फॉलो कर रहे हैं। कुबेरा जो है वो आपको 7-4 को फॉलो करते दिखेंगे, उसके अलावा जो है विजय बोबा 7-4 को फॉलो करते दिखेंगे, तो मुझे सभी एप्लीकेशन का ध्यान में लेकर काम करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैं आपको टीम दिया हूँ वो 7-4 आपके लिए दिया हूँ, जहाँ पे आप मान के चलो कि 3 बल्लेबाज जहाँ मिलने मस्त होंगे वहाँ पे आप इस टीम के साथ जा सकते हो, लाइक बैथमुनी मैगलेनिंग पिपारो मतिलडा, उसके अलावा सॉफीडे एलिसा पेरी जी वरहम अनाबेल सदरलैंड, बॉलिंग से किम गर्थ एलाना किंग और टेस फ्लिंटॉप। कैप्टनसी मैंने यहाँ के सौंपे हैं एलिसा पेडी को, वीसी मैंने दिए अनाबेल सदरलैंड को, इसमें कुछ मैं चेंजेस जरूर करूंगा आपके टॉस प्लेइंग 11 आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद। अब आइए हम बात करते हैं उन एप्लीकेशन का जहाँ पे आप जो है एक बल्लेबाज के साथ लड़ सकते हो, वहाँ पे मैंने सिर्फ एक बल्लेबाज मैगलेनी को लिया हुआ है, बाकी मैंने क्लियरली को लिया हुआ है और यहाँ से मैं लिली मिल्स और एमी इदगार में कन्फ्यूज हूँ मुझे किसको लेना चाहिए, मैं इसको लेकर रात भर सोचूंगा और मुझे फाइनल लग जाएगा सुबह में कि भाई इसके साथ जाना चाहिए, मैं उसको लेकर चला जाऊँगा। मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मैं कैसा पंतरा यहाँ पे यूज़ करूँगा, अगर इनकी पहले बल्लेबाजी आती है मीन्स क्लियरली की टीम की मीन्स विक्टोरिया टीम की, तो वैसे हम जाएंगे यहाँ पे किसको मीन्स विक्टोरिया में, तो आपको सदरलैंड दिख जाएंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टीम की, अगर पहले बल्लेबाजी आती है मैं जाऊँगा एमी इदगार के साथ, अगर उनकी पहले गेंदबाजी आती है तो मैं जाऊँगा लिली मिल्स के साथ। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लियरली को लिया है सॉफी डे एलिसा पेरी वरहम सदरलैंड, बॉलिंग से किम गर्थ एलाना किंग टेस फ्लिंटॉप और लिली मिल्स को, यहाँ पे मैंने कैप्टनसी के बाहर एलिसा पेरी को दिया हुआ है, वीसी मैंने एनाबेल सदरलैंड को दिया हुआ है, एक प्लेयर जिसको मुझे बहुत मन है कैप्टन वीसी देने का उसका नाम है जी वरहम और एलाना किंग, ये प्लेयर ऐसा है वैसा या तो आपको वन साइडेड क्लीन स्वीप करवा देगा या आपको वन साइडेड हरवा देगा, और भाई एक प्लेयर मैं आपको बताऊंगा बहुत रिस्की लेकिन वो मिनी जीएल आपको देकर जा सकता है, वो क्या है
कैप्टन दे दो बैथमुनी को, वीसी दे दो मैगलिनी को। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता था आप सोचोगे बहुत रिस्की कॉल है, रिस्क लो, रिस्क है तो इसका है। मुझे पता है दोस्तों, अगर ये कॉम्बो आपका हिट कर गया, मिनी जीएल जीएल आप आराम से लेके आ जाओगे। आफ्टर टॉस प्लेइंग इलेवन आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद, जो भी मेरी टीम में बदलाव होंगे उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। साथ में कुबेडा का डियो क्विंटो पिक्स, एक्सेंस 22 का बाइसेल मल्टीवेगर पिक्स, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको इसी वीडियो के चले जाने होंगे कमेंट सेक्शन में, और सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधा सा टेलीग्राम चैनल के ऊपर लैंड कर जाइए। धन्यवाद।